वेलकम बैक। मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आइए हमारी भूगोल की जो ऑनलाइन कक्षाओं की सीरीज़ है उसमें भारत के भूगोल को हम पढ़ रहे हैं। हमने भारत के पिछले वीडियो में हमने भारत के भौतिक विभाजन को देखा है। आज हम भारत के भौतिक विभाजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा है कि हमारा जो देश है वो 5 भौतिक प्रदेशों में हमने उस दिन बांटा था। कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। हमने उस दिन हमारे देश को 5 भौतिक विभागों में बांट दिया था। कौन कौन से थे 5 भौतिक विभाग? सबसे पहले हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हमारा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश या जिसको हमने गंगा सतलज का मैदान भी कहा था, तीसरा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा हमारा कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 5 तरह के उसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया था और हमने इसके बारे में थोड़ी मोटी मोटी बातें भी पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। आज जो हमारा पहला फिजिकल डिवीजन होगा वो क्या है? हमारा उत्तरी, ये हम सीधा सीधा कह दें कि हम आज की क्लास होगी उसमें हिमालय से पढ़ना शुरू करेंगे, हिमालय। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का। ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सॉरी ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ एक पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है, अगर मैं इसकी हाइट, लेंथ और विड्थ की बात करूं तो ये इसकी औसत ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। अगर हम इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से इसका हिमालय में बैंड आने के कारण एक भाग उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार हो जाता है। यहाँ पर ये हिमालय टेढ़े हो जाते हैं जिसको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो ये 160 से 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। पूर्वी भाग में हिमालय की चौड़ाई कम है जबकि पश्चिमी भाग में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है। वहीं अगर ऊंचाई की बात करें तो पूर्वी भाग में हिमालय ज्यादा ऊंचे हैं जबकि जो इसका पश्चिमी भाग है वहां पर इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस भाग में दबाव बल के कारण ये क्षेत्र ज्यादा ऊंचा हो गया। दबाव बल क्या है कि हिसाब से लगा, हम उसको अभी थोड़ी देर बाद समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे हिमालय का एक तरीके से इंट्रोडक्शन। कितनी हाइट है? एवरेज हाइट 5000 मीटर, 2500 किलोमीटर की लेंथ में ये फैला हुआ है अलग अलग श्रृंखलाओं के रूप में, और 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। अगर हम इसकी ढाल की बात करें तो इसका जो उत्तरी ढाल है, उत्तरी ढाल जो है इसका मंद ढाल है, लेकिन इसका जो दक्षिणवर्ती ढाल है जिस जो भाग हमारे देश की तरफ है वो इसका बहुत ज्यादा खड़ा भाग है, यानी कि दक्षिण ढाल उत्तरी ढाल की अपेक्षा तीव्र है। अब ये किस टाइप के माउंटेन है? पर्वत कई प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, एक्यूमुलेशन माउंटेन, इसके अलावा लावाकृत पर्वत भी होते हैं। तो हमारा जो हिमालय है ये है फोल्ड माउंटेन, या हम इसको वलित पर्वत कह रहे हैं। वलित पर्वत जब भूपरपटी में मोड़ पड़ जाने के कारण, दबाव बल के कारण, पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के कारण, फर्स्ट ईयर में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अंतर्जात शक्तियां क्या होती हैं, बहिर्जात शक्तियां क्या होती हैं। तो जब पृथ्वी में अंतर्जात शक्तियों के कारण पृथ्वी की भूपरपटी में जब मोड़ पड़ जाते हैं तो मोड़ पड़ जाने के फलस्वरूप जो भाग ऊंचा हो जाता है उसे हम कौन से पर्वत कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालय हमारे ऐसे ही बड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है, श्रेणी है।
ये हमारे हिमालय का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। हमने उस दिन देखा था कि हम हिमालय को तीन टाइप से पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, हमने हिमालय का डिवाइडेशन उस दिन देख लिया था, फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर करता चलूं। हिमालय हमने देखा था कि हम इसको तीन रूप से मुख्य पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय में हम बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालय, पहले हम इनको पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, ये हिमालय की उत्तरतम श्रेणी है। और तीसरा हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। बृहद अगर हिमालय की हम बात करें, सबसे पहले हम मुख्य हिमालय वाले रीजन को देख लेते हैं, और इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट आता है बृहद हिमालय। यहां मैं एक बात बहुत क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि हिमालय अपने आप में बहुत बड़ा है, और ऑनलाइन कक्षाओं की सीरीज में जो हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमको बहुत कंसाइजली, बहुत ब्रीफली, यह नहीं कि हम कुछ छोड़ेंगे, लेकिन हम उतना डिटेल में भी नहीं जा पाएंगे कि बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझा सके, लेकिन प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको चीजों को समझने में आसानी हो। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हिमालय की, मुख्य हिमालय की, जो हमारा मेन हिमालय है, उसकी सबसे मेन रेंजेस है। ये अनवरत रूप से, इसमें कहीं भी गिने चुने स्थानों पर कुछ दर्रे अवश्य हैं, ये अनवरत श्रृंखला है पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है, और एवरेज हाइट अगर इस श्रृंखला की मैं बात करूं तो 6100 मीटर, यानी कि 6100 मीटर है, और ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची, इसको हम महाहिमालय भी कह देते हैं, हिमाद्री भी कह देते हैं, आंतरिक हिमालय भी कह देते हैं। ये कुछ बृहद हिमालय के नाम है, महाहिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, ये इसके कुछ नाम है। सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, हमने देखा है कि तीन श्रेणियां हैं, बृहद, लघु और शिवालय, और ये अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो ये सबसे उत्तरी श्रेणी है मुख्य हिमालय की, इसके बाद यहाँ लघु हिमालय, और सबसे जो हमारी दक्षिणी श्रेणी आएगी वो शिवालय का आएगी। महान हिमालय में भी जो हमारा बृहद हिमालय है, इसी में पूरी दुनिया की, हिमालय की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जो है बृहद हिमालय श्रेणी में ही, हिमालय की जो बृहद हिमालय की श्रेणी है उसमें पाई जाती है, और इसके पूर्वी भाग में पाई जाती है। जैसे हमारी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सॉरी, हमारी सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट, इसको, इसका एक नाम सागर माथा भी है नेपाली भाषा में, क्योंकि नेपाल में सिचुएटेड है, तो इसका एक नाम सागर माथा भी है। कितनी हाइट है इसकी, 8848 मीटर। ये बहुत पुराना डेटा है, अगर मैं रिसर्च बेस्ड और सैटेलाइट बेस्ड डेटा की बात करूं तो अभी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसकी हाइट बढ़कर के हो गई है 8850 मीटर। इसका मतलब क्या है कि हमारा हिमालय जो है आज भी उत्थान की अवस्था में है। मैं यहां पर एक बात डिनोट करना भूल गया, मैं उसको अभी बता देता हूं, हम इसको वापिस फिर से शुरू करेंगे। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, क्षमा प्रार्थनी, निर्माण मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अभी बीच में से, क्योंकि वीडियो दोबारा शुरू ना हो इसलिए मैं निर्माण अभी बता देता हूँ, इसको फिर हम जहाँ से छोड़ा है वहां से शुरू कर लेंगे। बृहद हिमालय डिस्कस करने से पहले हम हिमालय के निर्माण की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो हम देख चुके हैं कि ये हमारा वलित पर्वत है, और वलित पर्वत जो है वो बनते कैसे, सबसे मुख्य बात जो होती है वलित पर्वत में, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से पृथ्वी की भूपटपटी में मोड़ पड़ जाने के कारण क्या होते हैं, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यहां पर जो हमारे हिमालय है, पृथ्वी के
सबसे नवीन पर्वतक्रम जो है अल्पाइन, अल्पाइन पर्वतक्रम का हिस्सा है हमारा जो हिमालय है, और टर्शियरी काल में बना हुआ ये पर्वत है। टर्शियरी युग जो है उसमें हमारा हिमालय बना है। क्यों बना है तो मैं बहुत छोटे रूप में यहां पे अगर आपको एशिया का नक्शा बना करके बताऊं, ये हमारा समझने के लिए बता देता हूं अभी, ये जो है हमारा ईशा वाला पार्ट, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे फर्स्ट ईयर में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं, ये है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये ऊपर का जो है हमारा यूरेशियन प्लेट। इस प्लेट की गति इधर है और इन दोनों प्लेटों में टक्कर होने के कारण इसका विस्तार यहां तक है और ये ऊपर वाला जो रीजन है ये हमारा यूरेशियन प्लेट में आता है। तो इन दोनों प्लेटों में टक्कर होने के कारण यहां पर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से भारी है, और जो हिमालय आज जहां पर सिचुएटेड है ये जो जोन है हमारा, ये जोन ऑफ सबडक्शन, सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी की ओर जानना चाहूंगा यहां पर, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, सपोज कीजिए ए प्लेट है, बी प्लेट है, पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं, तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, यानी कि हल्की प्लेट भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, और जहां पर ये टकरे आपस में होती है इसको क्या कह देते हैं, जोन ऑफ सबडक्शन या सबडक्शन जोन। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के मध्य जो टक्कर हुई उसका सबडक्शन जोन कहां था, हमारा हिमालय। और इन दोनों प्लेटों में टक्कर होने के कारण यहां का जो भूभाग है वो हिमालय के रूप में, पर्वत के रूप में परिणत हो गया, यानी कि हमारा हिमालय किस कारण से बना है। इसकी अलग अलग कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सर्वमान्य जो थ्योरी है वो यही है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराव के कारण जो बीच वाला भाग है वो हिमालय के रूप में उत्थित हो गया। वापिस हमारे बृहद हिमालय की ओर लौटते हैं। बृहद हिमालय में हमने बताया कि इसका पूर्वी भाग, पूरे हिमालय का हम चर्चा कर रहे हैं, इसका पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। क्यों ऊंचा है, क्योंकि जो दबाव की मात्रा थी जब टक्कर आपस में हुई प्लेटों में, तो जो दबाव बल था वो पूर्वी भाग में अधिक था, और जहां दबाव अधिक होगा तो वहां इंडोजेनेटिक फोर्सेस ज्यादा काम करेंगी, और जब ज्यादा काम करेंगी तो उस क्षेत्र का उठाव भी अधिक होगा। इस कारण क्या है कि हमारा पूर्वी भाग जो है हिमालय का वो बहुत ऊंचा है कंपैरेटिवली पश्चिमी भाग को। बृहद हिमालय की कुछ मुख्य मुख्य चोटियां कौन कौन सी है, सबसे ऊंची चोटियां जो पूरी दुनिया में वो इसी भाग में पाई जाती है, इसी श्रेणी में पाई जाती है बृहद हिमालय। सबसे पहली माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो वर्तमान हाइट है 8,850 मीटर हो चुकी है, यानी कि हमारा हिमालय आज भी अपलिफ्ट हो रहा है, टक्कर नीचे धरती के नीचे आज भी यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में टक्कर आज भी जारी है, आज भी सबडक्शन चल रहा है, और आज भी हमारा हिमालय ऊंचा हो रहा है। इसका प्रमाण क्या है, हिमालय में आए दिन आने वाले भूकंप हिमस्खलन इसका प्रमाण दे रहे हैं कि हिमालय की हाइट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है 8,848। दूसरी चोटी कौन सी है इसकी, यहां की कंचनजंगा,
8611 मीटर। खैर फिगर मेंशन नहीं करता, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, कामेत है, नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत पश्चिम भाग में आता है इधर, लेकिन वो है इसी पर्वत श्रेणी में, इसी श्रृंखला का पार्ट, बृहद हिमालय का। तो इनमें बस कुछ एक जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, इनके नाम आप याद रखें। बस यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां पाई जाती है वो हिमालय की बृहद हिमालय श्रेणी में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं हिमरेखा की, हिमरेखा क्या होती है? किसी भी पर्वत श्रेणी में एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हमेशा वो बर्फ से आच्छादित रहता है। तो हिमालय में जो हिमरेखा है वो पश्चिमी भाग में 5000 मीटर से ऊपर है, जबकि जो पूर्वी भाग है वहां पर 4000 मीटर। इस डिफरेंशिएशन का कारण क्या है कि हमारा पश्चिमी भाग जो है वो पूर्वी भाग की अपेक्षा ज्यादा शुष्क है, इसलिए हिमालय की जो पश्चिमी भाग है यहां पर जो बर्फ की ऊंचाई है वो ज्यादा ज्यादा ऊंचाई पर देखने को मिलती है, जबकि पूर्वी भाग में चूंकि आर्द्रता की मात्रा अधिक रहती है तो बर्फ 4000 मीटर के ऊपर से सीधी बर्फ उनको देखने को मिल जाती है। यूपीएससी में एक बार पूछा गया है कि क्या कारण है कि पूर्वी हिमालय में हिमरेखा पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा ज्यादा ऊंचाई पर बनती है, तो कारण क्या है कि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक आर्द्र है, इतना शुष्क नहीं है। दूसरा है हमारा लघु हिमालय। वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए लघु हिमालय को और शिवालिक को हम अगली कक्षा में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ कमी रही हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत धन्यवाद।